गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल अर्शी आकी ब्यूटी। सो जैसा कि आप ये बहुत ही प्यारा सा ग्रीन ग्लिटर लुक देख सकते हैं, सो चलिए देखते हैं इसे क्रिएट कैसे करना। बट उससे पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को कर लें लाइक एंड शेयर, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लेंगे ये लाइट ब्राउन कलर विथ फ्लफी ब्रश और उसे अपने आउटर कॉर्नर पर अच्छी तरीके से लगाएंगे, बहुत ही हल्के हैंड से। सो उसके बाद फिर हम सबसे पहले अपने आउटर कॉर्नर पर अच्छी तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद फिर उसे दोबारा से लेकर हम उसे अच्छी तरीके से अपने क्रीज को डिफाइन कर लेंगे। सो उसके बाद फिर हम उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर क्लीन अप कर लेंगे। एंड नेक्स्ट फिर मैं ये लाइट मरून शेड लूँगी और फिर उसे जस्ट अपने आउटर कॉर्नर के पहले वाले शेड के नीचे लगाऊंगी और फिर अच्छी तरीके से उसे ब्लेंड कर लूँगी। सो मैंने इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। एंड नेक्स्ट अब हम लेंगे ये ब्लैक शेड थोड़े से इस तरह के ब्रश पर और एकदम आउटर कॉर्नर पर हम इससे अपना आउटर वी शेप दे देंगे। सो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से अपना आउटर वी शेप जो है वो कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये सी ग्रीन वाला कलर लूँगी इसी ब्रश पर और फिर उसे अच्छी तरीके से अपनी लिड पर मैं फैलाकर अच्छे से लगा लूँगी मेन लिड पर और फिर हल्का सा जो है ब्लैक शेड से मैं उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ दें, यह ऐसे ही बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहते हैं तो इस पर ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आज ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। सो अब हम देखते हैं कि ग्लिटर अप्लाई कैसे करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपना स्टिकी वाला एलोवेरा जेल लूँगी और उसे मैं अच्छी तरीके से अपने लिड पर लगा लूँगी और उसके बाद फिर मैं ग्लिटर को अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने हैंड से ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया है। अब हम अपना हल्का सा बहुत ही पतला सा लाइनर लगा लें। अब मैं अपने यहाँ पर ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी एंड ऑल्सो इनर कॉर्नर को भी उसी लाइटर शिमरी शेड से हाईलाइट कर लूँगी। सो जब आप अपनी आईज़ ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का ये लुक लगेगा। फिर लाइट ब्लैक शेड लेकर अपने लोअर लैश लाइन पर अच्छी तरीके से लगा लें। सो यार, दिस इज़ आवर फाइनल लुक। सो जब आप अपनी आईज़ ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से लगेगा।